भैया साथ यही है ना, मतलब भाई अपने यहाँ के दे रहा हूँ उसका ना सबसे लंबा रूट यही है। बल प्रेस तो करी थी मैंने, हाँ आई थिंक यार यहाँ कुछ पंगा वंगा हो गया है। 54 नंबर कौन सा है? ओ भाई इतनी तकड़ी ऑफ रोडिंग एकदम निकालनी पड़ेगी। भाई ये मकान ना पुराने टाइप का बना हुआ है, भाई इनकी बहुत हिम्मत है। भैया हम तो 5 मिनट के लिए आते हैं, बुरा हो जाता है। आप पूरे दिन कैसे बैठते हो? भाई यार ट्रैफिक ना 1 मिनट में रहता है और खुलता कितने में ये कुछ नहीं पता होता। जहाँ से यार मैप दिखा रहा है ना वो गेट रहता है बंद। ये भी नई बनी सोसाइटी है? हाँ नई है, अभी पता नहीं। हाँ हाँ और उनको कुछ ना रखा है यहाँ जो भी कुछ है। ये रहा गेट और ये रहा टावर। भैया बाइक निकाल लिया, इसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पे। पेमेंट कैश UPI? कैश। तो भाई यार 10 मिनट तो हो चुके हैं, अभी तक कस्टमर आए नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फोटो क्लिक करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। भाई इस व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं भाई नेहरू नगर के पास से। और भाई अभी ना हमने ऑर्डर पिकअप करे हैं अपने 204 के ब्लॉग से। भाई अब जो ऑर्डर पिकअप करे ना यार, ऑर्डर तो सिर्फ 4 ही हैं, लेकिन भाई बिल्कुल गंदा रूट मिला भखड़ वाला। 2 ऑर्डर तो है प्लॉटिंग एरिया के और 2 सोसाइटी एरिया। प्लॉटिंग एरिया है ना भाई वो तो है आपका इंद्रजीतपुर का ही, रामनगर और गांधीनगर। और जो प्लॉटिंग एरिया है भाई वो है क्रॉसिंग का। बट क्रॉसिंग इन ऑर्डर को देने के बाद 8-10 किलोमीटर दूरी समथिंग दूरी पर है क्रॉसिंग। तो भाई अभी चलते हैं पहले रामनगर वाले ऑर्डर पे। भाई मिलते हैं आपसे रामनगर पहुँच कर। क्योंकि यार गर्मी ना इतनी तगड़ी में रखी है, मतलब है तो घटाई, धूप नहीं निकल रही इतनी ज़्यादा, लेकिन भाई घुमस हो रखी है बहुत ज़्यादा। घुमस बोलते उमस बोलते जो भी बोलते हैं भाई। भाई यही एरिया है रामनगर का। और भाई कस्टमर को लगा लेते फ़ोन, अमेजोन से ऑर्डर है आपका। ये घर आपका यही है ना, बाहर बाइक खड़ी है कपड़े ढकी हुई खंभे के पास। तो भाई यार इन कस्टमर का ना पहले ऑर्डर लेके भी आया हूँ मैं, तो भाई इनके घर के पास ही आके लोकेशन ख़त्म हो गई थी, तो मैं समझ के भाई इन्हीं का ऑर्डर है। फिलहाल इनके बैग निकालते हैं भाई, 3 बैग का ऑर्डर है इनका। इधर ही खाली कर दो, फोटो क्लिक करनी पड़ेगी। रख लीजिए आप। हाँ ठीक है, रखे आओ। आइटम तो यही है ना आपका, 7 ही आइटम है भाई। भाई अपना फर्स्ट ऑर्डर दे दिया है, अभी चलते हैं सेकंड ऑर्डर पे जो कि है गांधीनगर का। सो फाइनल यार पहुंच चुके हैं अपने सेकंड ऑर्डर के लोकेशन पे। अभी कस्टमर को फ़ोन लगा लेते हैं भाई। और ये ऑर्डर COD है, अमेजोन तो ऑर्डर है आपका, घर के बाहर ही खड़ा हूँ। पेमेंट कैश UPI? कैश। 880 है। 880 ना। हाँ तो भाई यार 10 मिनट तो हो चुके हैं, अभी तक कस्टमर आए नहीं यार, इसलिए यार कैश के ऑर्डर बहुत बेकार लगता है अपने को। थैंक यू। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फाइनल यार 10 मिनट के बाद अपने को कैश मिल गया है। और अपने हो चुके हैं भाई 2 ऑर्डर डिलीवर्ड, तो भाई इसको डिलीवर करते हैं कैश। तो फाइनल यार दे दिया आपने सेकंड ऑर्डर भी, अभी चलते हैं भाई 3rd ऑर्डर के लोकेशन पे जो कि है डिफरेंट लोकेशन के ऑर्डर है। अपने पास 2 बच रहे हैं वो भाई डिफरेंट के, मतलब यार ये है हमको GT रोड रूट भी मिला है, क्रॉसिंग भी मिला है। तो भाई GT रोड क्लियर कर रहे हैं, डिफरेंट पड़ रहा है क्रॉसिंग, तो अभी चलते हैं भाई क्रॉसिंग। 2 ऑर्डर क्रॉसिंग के बच रहे हैं। तो भाई ये प्लॉटिंग एरिया के ऑर्डर थे, मेरे को इनमें मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगे डिलीवर करने के लिए, लेकिन इनको डिलीवर करने के लिए ना भाई 20 मिनट चाहिए सिर्फ पहुँचने के लिए। तो भाई 20 से 25 मिनट चाहिए डिलीवर करने के लिए, तो भाई 20 मिनट चाहिए वापस आने के लिए। तो भाई प्लॉटिंग एरिया के ऑर्डर बड़े लगते हैं अपने को अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एरिया। फिलहाल चलते हैं यार अभी अपने क्रॉसिंग की तरफ, यार मिलते ही जाते क्रॉसिंग पहुँच गए। तो फाइनल यार पहुँच चुके हैं क्रॉसिंग, अभी चलते हैं सोसाइटी की तरफ अपनी। भाई एक सोसाइटी आगे वाली है, एक है आगे वाली, पहले चलते हैं आगे वाली पे, इसे वापस आते हुए कर देंगे। भाई पहुँचे थे यार अभी सोसाइटी की लोकेशन पे। तो भैया बाइक निकाल लिया, इसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पे। तो भाई चलते हैं अंदर, अंकल तो कर रहे हैं एंट्री। G Tower 600 भाई। भाई यार एंट्री तो हो गई यार, तो टावर ना अपना सेकंड टावर है राइट एंड पे, तो इसलिए ना हम चल रहे हैं पैदल। ऑर्डर में 2 बैग के ऑर्डर हैं, हल्के हल्के से ऑर्डर हैं। 622 में आना अंकल जी। भाई अच्छी बात है, भैया ने ना एंट्री के लिए भेज दिया। क्योंकि यार बहुत से यार इंटरकॉम करेंगे भाई, ये करेंगे वो करेंगे, यार फॉर्मेलिटी काफ़ी सारी करते हैं। फ्लैट अपना डिसाइड पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई, इधर पड़ जाता अच्छी बात है यार। लेकिन अपने इतने अच्छे नसीब का है एक बार में फ्लैट मिल जाए अपने को, तब तक ढूंढेंगे नहीं सारे, जब तक मिलता ही नहीं है भाई। सेकंड लास्ट ऑर्डर है आपका दीक्षा के नाम से। साइड में खाली कर दूँ, ये ऊपर रखना, निकाल दो। मैं तो सामान की फ़ोटो लेनी है। तो फाइनल यार दे दिया 3rd ऑर्डर भी, अभी चलते हैं भाई 4th एंड लास्ट ऑर्डर के लिए जो कि है महाजन का।
महागुन पर सोसाइटी है, अगली सोसाइटी महागुन ही है, और इसको देख के भाई हम निकल जाएंगे यहाँ से वापस। तो फिलहाल चलते हैं पहले महागुन पे। तो भाई पहुँचे हैं अभी महागुन सोसाइटी पर, गार्ड भैया बैठे हुए हैं, इनसे कराएंगे एंट्री। एक एंट्री करना है तो भाई यार एंट्री तो करा दी है, तो अपना जो टावर है ना इससे अगला टावर मतलब कि सेकेंड टावर ही है। और भाई ये रहा गेट और ये रहा टावर, तो कोई बेनिफिट नहीं है भाई बाइक लाने का। और भाई गर्मी बहुत तगड़ी हो रखी है यार, और कुछ ना रखा है यहाँ जो भी कुछ है। फाइनल यार लिफ्ट में आ चुके हैं, चलते हैं 18 फ्लोर पे। भाई हम आ चुके हैं 18 फ्लोर पे। ऑर्डर है आपका, बैल प्रेस करनी पड़ेगी। ऑर्डर है आपका, थैंक यू। सो फाइनली यार अपने सारे ऑर्डर के हम फ्री हो चुके हैं भाई, और अभी टाइम हो रहा है 2:55, हम 2:59 पूरा फ्री हो चुके थे सारे ऑर्डर देके। अभी अपने पास ब्लॉक है अगला 4 वाला, तो सीधा भाई अपना RDC अपने स्टेशन में वेयर हाउस पर मिलते हैं, आप वेयर हाउस पहुँच कर। और भाई चार ऑर्डर में ना किसी में कोई दिक्कत नहीं, एक COD था वो भी कस्टमर ने कैश कर दिया था, सारा चेंज हो गया था, तो कोई दिक्कत हुई नहीं थी। अभी फिलहाल चलते हैं सीधा वेयर हाउस, मिलते हैं सीधा वेयर हाउस पहुँच कर। सो फाइनल यार निकल चुके हैं अपने सेकंड स्लॉट के ऑर्डर लेके भी, मतलब कि यार 4 से 6 वाले। तो भाई अपने को ना यार ये रूट इतना गंदा मिला है, पहले वाला तो भाई बहुत ही बढ़िया था उसके मुकाबले। भाई एक तो 5 ऑर्डर दिए हैं, और भाई 5 ऑर्डर में था ना भाई 9 नंबर ऑर्डर तो इतना गंदा दिया है भाई इसका, मतलब कहने के लिए तो भाई 9 और 8 आगे वाला भाई पूरा मतलब एक सीधी लाइन में है, लेकिन भाई इतना गंदा रूट है, यू टर्न भी ना 2 किलोमीटर का यू टर्न है भाई ये भी। तो यार भाई बात मैंने बहुत कुछ भाई से बात करी, मैंने भाई इसको निकाल ले, तो लेकिन यार भाई ने माने नहीं यार, कह रहा भाई लेके जाना पड़ेगा तेरे को यार, अब भाई उससे ज़्यादा भाई कुछ कह नहीं सकते हम। फिलहाल चलते यार अभी यहाँ से, पहले यार 9 नंबर का ऑर्डर मारेंगे, क्योंकि यार रोड को दिख दिख के ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चलते हैं यार लोकेशन मिलते हैं पहुँच कर आपको। भाई जो ऑर्डर है ना भड़ वाला, जो 9 नंबर ऑर्डर है भाई, इसको मैंने कस्टमर से बात कर ली थी, पूछ रहे भाई कैसे कैसे कहाँ से कैसे कैसे आना है। तो भाई कस्टमर बताया था हमने लोकेशन तो होता आस पास ही, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ पर जाना कैसे जाना है। तो भाई अभी देखते हैं यार कोई रास्ता मिलता है तो आगे नहीं से। तो फाइनली यार जो कस्टमर का एड्रेस है ना यही है, जोवियन लग्जरी होम, तो भाई इसके अंदर ही बता रहे थे वो। तो फिलहाल चलते हैं भाई इसके अंदर। ये भी नई बनी सोसाइटी है? हाँ हाँ नई है, अभी पता नहीं। हाँ हाँ मेरे तो ऑर्डर पहली बार आया ना मेरे पे, तो आपके यहाँ का कैसे आ गए? राजनगर से, राजनगर से आता है यहाँ पर। अंदर खाली कर दूँ? हाँ कर दो, तो फोटो क्लिक करनी पड़ेगी ना। चलो ठीक, थैंक यू भैया। सो फाइनल यार ये ऑर्डर दे दिया भाई, और ये नया कॉलोनी बन रही है, अभी नई कॉलोनी बन रही है, तो इस चक्कर में भाई हमको पता नहीं थी, सिर्फ 2 या 3 मकान बने हुए हैं, एक मकान तो एक मकान पीछे वाला है, बाकी ये तो बुकिंग ऑफिस है। तो भाई एक ही बन रहा है, अभी मकान बन रहा है, मार्केट बननी है, पता नहीं भाई क्या बन रहा है, लेकिन बन रहा है जो भी कुछ है। तो भाई अभी नई कॉलोनी कटी है, तो चक्कर में इसका ज़्यादा पता नहीं है लोगों को, हाँ लेकिन अब बन रही है तो पता पड़ ही जाएगी आगे। तो बाकी फिलहाल चलते भी अपने सेकेंड ऑर्डर के लिए, जो कि है इवोनिक ग्रीन्स का, भाई वो भी काफ़ी अंदर चल गया है, चलते फिलहाल यार उसके लिए, मिलते हैं वहाँ पहुँच कर आपसे। तो फाइनली यार पहुँचे अभी इवोनिक ग्रीन्स का एंट्रेंस जो आगे से है, टावर तो पीछे ही है, लेकिन पहले आगे जाना पड़ेगा एंट्री आने, फिर वापस आना पड़ेगा पीछे। तो फिलहाल चलते हैं यार कराते हैं एंट्री, सामने खड़ी है गार्ड मैडम जी, गार्ड भी अभी भैया एंट्री करना है। सो फाइनली यार एंट्री तो हो चुकी है अपनी, टावर है अपना भाई यहाँ से, ये तो शायद A1 है आई थिंक भाई, टावर यही है। सो फाइनली यार पहुँच चुके हैं अपने सेकंड ऑर्डर के लोकेशन पे भी, लिफ्ट भाई ग्राउंड पे, ये सच्ची की बात हो सकती है। और भाई अपने को ना जाना 3rd फ्लोर पे, और भाई ऑर्डर में ना ये चाहूँगे 48 किलो का, नदीम के नाम से, थैंक यू। तो भाई दे दिया यार ये ऑर्डर भी, अभी चलते हैं अपने 3rd ऑर्डर के लोकेशन पे, जो कि है भाई नेहरू नगर का, मिलते हैं भाई आपसे सीधा नेहरू नगर पहुंच के, क्योंकि यार काफ़ी लंबा रूट है ये भाई। रेल पे फाटक खुला मिला है, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है अपने लिए। पता यार गर्मी ने ना इतना गंदा बुरा हाल कर रखा है भाई, बहुत तगड़ा वाला। फिलहाल यार ना इस ऑर्डर की लोकेशन लगा लेते हैं कि यार लेफ्ट राइट कुछ ज़्यादा ही है ना मैप वाले में, तो भैया यहाँ से लिया है भाई, लेफ्ट राइट कुछ ज़्यादा दिखा रहा है आगे, तो भाई पहले मैप को फॉलो कर लेते हैं यार। जहाँ से यार मैप दिखा रहा है ना वो गेट रहता बंद, अरे मैप दिखा रहा है यहाँ से ये गेट रहता है बंद, मैं कल रात भी यहाँ पे आया था बंद ही था, आगे वाला गेट खुला हुआ है, इससे ट्राई करते हैं एक बार। आखिरकार पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, कस्टमर को फ़ोन लगा लेते हैं। हेलो, अमेजोन से ऑर्डर है आपका?
ठीक है, फोन तो कर दिया भाई, बोल रहे हैं आ रहा हूँ। चार्ट है, थैंक यू। फिलहाल यार अभी ये ऑर्डर दे दिया है, अभी चलते हैं अपने अगले ऑर्डर के लिए, जो कि है किराना मंडी का दिखा रहा भाई। तो किराना मंडी भाई यहाँ से काफ़ी दूर है, किराना मंडी अगर मैप लगा के जाएंगे ना भाई 2.5-3 किलोमीटर बैठेगी, वैसे हमने शॉर्टकट देखा है। तो चलते भाई मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर के अंदर पहुँच जाएंगे। फिलहाल चलते हैं सीधा किराना मंडी, मिलते हैं हम किराना मंडी पहुँच कर, जहाँ तक हमने देखा रास्ता वहाँ चलते हैं, उसके बाद मैप लगा लेंगे। भाई किराना मंडी में तो आ चुके हैं, लेकिन यार यहाँ का तो रास्ता ही बंद पड़ा है, अब कैसे करेंगे भाई। ट्रैफिक ना 1 मिनट पर रखता है और खुलता कितने में ये कुछ नहीं पता होता। मान लो कोई गाड़ी खाली हो रही है तो पहले गाड़ी पूरी खाली होगी तब हटेगा ट्रैफिक। थोड़ी सी दाब लियो भाई, अमेजोन टोटल है आपको। फाइनली यार पहुँच तो चुके हैं यार भैया के एड्रेस पे, बहुत यार दिक्कत वाली बात है यहाँ पर आना। अब जिन भाई को भाई पता है यहाँ दिक्कत क्यों है, कुछ लिया है 6 भैया। भैया हम तो 5 मिनट के लिए आते हैं, बुरा हो जाता है। आप पूरे दिन कैसे बैठते हो भैया? जैसे आपको बाइक पे दिक्कत तो थी पूरे दिन, इसके भैया बैठने में दिक्कत थी पूरे दिन। अब बाइक पे जाने का चल रहा है। अब आप ऑर्डर पहली बार लेके आया हूँ मैं। अच्छा, ये 380 वाले, इनका तो डेली 3-4 ऑर्डर आता है, तो पता है हमें कहाँ पे आना। थैंक यू भैया, भाई इनकी बहुत हिम्मत है। तो फिलहाल यार दे दिया ये ऑर्डर भी, भाई चलते हैं सीधा अभी अपने अगले ऑर्डर की लोकेशन पे, जो कि अपना लास्ट ऑर्डर है यार नेहरू नगर सेकंड का। तो भाई सीधा मिलते हैं आपसे, वहाँ पहुँचते हैं नेहरू नगर सेकंड में। अमेजोन से ऑर्डर है आपका, आपका ही तो है 218 है। हाँ जी हाँ जी। सो फाइनल यार कस्टमर के पहुँच चुके हैं, मैं कस्टमर से बोलता मैं आपके घर पे खड़ा हूँ भगवती निवास पे, लिखा हुआ भगवती निवास, तो कहने लगे भगवती निवास कौन सा है, अपनी फैमिली मेम्बर से पूछ रहे। भाई फ़ोन कर दिया, बोल भी रहे आ रहे हैं, कितनी देर में आएंगे ये नहीं पता यार। अब बस पेमेंट लेके आए वो, अगर आप बोलने लगे ना पेमेंट लेके आ रहा था भाई, फिर और टाइम ख़राब होगा अपना। भाई ये मकान ना पुराने टाइप का बना हुआ है, मतलब पुराने टाइम के हिसाब से काफ़ी मस्त लग रहा है। हाँ ठीक, थैंक यू। तो भाई ये अच्छी बात है कस्टमर की, पूरा कैश चेंज दे दिया, नहीं तो भाई चेंज का ना बहुत इशू रहता हम लोगों को। सो फाइनल यार दे दिया लास्ट ऑर्डर भी, भाई 5 ऑर्डर मिले थे, 5 को 5 ऑर्डर दे दिए, 1 ऑर्डर सी ओडी था लास्ट वाला, कस्टमर ने पूरा चेंज दे दिया भाई, जितना गंदा रूट मिला था ना यार, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हमने कवर कर लिया सब कुछ। और भाई अभी ना अपना 4 से 6 ऑर्डर मारे हैं हमने, 6 वाला अपना ब्लॉक है अगला, तो भाई अभी चल रहे हैं सीधा वेयर हाउस, तो यार वहाँ से अपने ऑर्डर पिक करेंगे 6 वाले। और अभी टाइम जो हुआ है ना, टाइम हुआ है 4:56, मतलब कि भाई हम ना भाई 1 घंटे के अंदर फ्री हो चुके हैं इतने गंदे रूट से भी। और भाई कोई नया बंदा होता ना, कोई नया डीए होता तो भाई उसको बहुत दिक्कत होती, अपने को तो यार रूट सारे पता दिखता, तो जल्दी 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 हमने भाई सारे खरीदने ख़त्म। अभी चलते सीधा वेयर हाउस, मिलते सीधा आपसे वेयर हाउस पहुँच कर, नहीं भाई मिलते हैं आपसे अगले रूट के ऑर्डर पिकअप करने के बाद। तो फाइनल यार निकल चुके हैं अपने 6 वाले ऑर्डर भी लेके। भाई पता है कंटिन्यू ब्लॉक के ये फ़ायदे हैं यार, अभी मेरा ब्लॉक का टाइमिंग 6 से 8 का है और मेरा ब्लॉक कंटिन्यू था 4 से 6 भी, तो 6 से 8 का कंटिन्यू ब्लॉक है। तो भाई इसमें मेन चीज़ है दिक्कत नहीं होती अराइव करने की, कि अगर ब्लॉक मेरा 6 बजे का होता ना, ब्लॉक 4 वाला नहीं होता तो मेरा 5:45 तो अराइव होता, उसके बाद में ऑर्डर पिकअप करता तब निकला 6 बजे के बाद तक। तो भाई ये बेनिफिट है कंटिन्यू ब्लॉक होने का, और भाई जितना बेनिफिट यहाँ मिल रहा है ना उतना बेनिफिट ही निकालने हैं अच्छे से लोग। यार यार पहले भी 5 ऑर्डर, अब भी 5 ऑर्डर, वो भखड़ वाले एरिए भाई, ये भी भखड़ वाला एरिया, बस फायदा यार ये है फ्लोटिंग एरिया है। तो भाई यार ये 5 ऑर्डर दिए हैं अपने को, हम चलेंगे पहले 13 नंबर वाले ऑर्डर पे, जो कि है बालाजी इंटरनेट का गोविंदपुरम का रूट, अपना गोविंदपुरम का ही है कहने के लिए गोविंदपुरम भाई, लेकिन काफ़ी बड़ा रूट है यार ये। तो फिलहाल चलते हैं बालाजी के लिए, मिलते हैं भाई अपनी बालाजी इंटरनेट पहुँच कर। फाइनली यार हम ना 1st ऑर्डर की लोकेशन के आसपास ही हैं, तो भाई यहाँ से ना हमको मैप देखना पड़ेगा भाई, यही कट है अपना जाम जाना बारहवीं के लिए। तो भाई चलते सीधा अंदर अभी गली नंबर 8 की तरफ, आई थिंक भाई गली नंबर 8 यही है मैप में, तो भाई यहीं दिखा रहा है। अमेजोन से ऑर्डर है आपका भैया? मैं लोकेशन के पे ही आ गया हूँ, 256 बिल्डिंग लिख रही है अभी ये हैगी। मतलब कंपनी से मैं अमेजोन से कौन सा वाला जो गाड़ी पे लगता है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, वो अलग है वो इसके लिए, ये अलग है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है।
256 आशीष 256 तो पूरा ही अच्छा, है अच्छा अच्छा ये साइड में खाली कर दूं। हाँ बिल्कुल खाली कर दीजिए, मुझे दे दीजिए कोई बात। फोटो क्लिक करनी पड़ेगी सामान। तो फाइनल यार दे दिया आपने पहला ऑर्डर, और भाई ये अंकल मिले थे यार, कह रहे थे भाई ये चार्जिंग है, मतलब आपने लोकेशन, इनको लगा लोकेशन वाला है जो लगाते हैं बंदे फ़ोनों में, कहता आपने यही लगा लिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने उनको भाई समझाया, ज़्यादा कुछ नहीं, उन्होंने मुझे ज़्यादा पूछा नहीं उन्होंने। तो फाइनली यार दे दिया ये ऑर्डर भी, अभी चलते हैं मैं सेकेंड ऑर्डर पे जो कि है स्वर्ण जयंतीपुरम का। फिलहाल चलते भाई स्वर्ण जयंतीपुरम, मिलते हैं आपके लोकेशन पे पहुँचते हैं कस्टमर की। तो फाइनली यार पहुँचे अपने अभी सेकेंड ऑर्डर के लोकेशन के पास में, कस्टमर को फ़ोन लगा दिया है मैंने भाई। आई थिंक यार ये वाला होगा इनका, अमेजोन से ऑर्डर है आपका भैया। बिल्डिंग आपकी 398 जो इसमें है, ये नंबर भी भैया कौन सा पड़ेगा? मैं ए और बी तो दिख रही है जो लिखा हुआ है गेटों पे, वहाँ पर लिखा हुआ 398 398 A 398 B लिखा हुआ है। हाँ अच्छा अच्छा जहाँ ये खड़ी वैगनर खड़ी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, ऑर्डर है आपका। भैया कितने आइटम? 6-4 बोतल है भैया। ठीक है ठीक है भैया, थैंक यू। तो फाइनली यार दे दिया आपने ये सेकंड ऑर्डर भी, चल रहा थर्ड ऑर्डर की लोकेशन पे जो कि है भाई गोविंदपुरम डी ब्लॉक का। तो भाई मिलते हैं आपसे डी ब्लॉक पहुँच कर। फाइनली यार पहुँच तो चुके हैं अपने थर्ड ऑर्डर की लोकेशन के पास में ही, लेकिन भाई दिक्कत हो गई है। एक दिक्कत क्या हुई है, इसका जो बाइक जाएगी ना एंट्रेंस पीछे की तरफ से है इसका, और जो अपना जो कस्टमर का एड्रेस है ना इस साइड से पास पड़ेगा। तो भाई हम बाइक अपनी इस साइड ही खड़ी करके ना तो पैदल जाके दे आएंगे, क्योंकि हमको ना अपन जो अपना फोर्थ ऑर्डर है हमारा, तो भाई वो इस साइड गई है, नहीं तो पहले हम बाइक घुमा कर लेनी पड़ेगी फिर वापस लानी पड़ेगी। तो फिलहाल यार अपनी बाइक ना हम ही साइड में खड़ी कर देते हैं, चलते हैं पैदल देने यार, क्योंकि यार बाइक ना पहले भाई 1.5-2 किलोमीटर तक घुमा के लेके जाओ फिर वापस इधर ही लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि अपना फोर्थ ऑर्डर इसी साइड गई है ना मेन चीज़। इसलिए भाई इनका है 3585 बाइक भाई हमने ही खड़ी कर दी है अपनी, ये खड़ी है। और भाई अभी चलते हैं, इनका 361 है भाई, ये लोग फ़ोन उठा नहीं रहे, बड़ी दिक्कत वाली बात है यार, दोबारा कॉल लगा लेते हैं यार। अमेजोन से ऑर्डर है आपका निमिश के नाम से, मैं 361 के बाहर ही खड़ा हूँ। ओके भाई यार आवाज़ से तो लग रहा था कस्टमर सो रहे हैं भाई, अब भी यार भाई सो रहे हो तो यार अब हमारी गलती भी क्या है इसमें, उनका टाइमिंग यही है 6-8 वाला। थैंक यू। तो फाइनल यार दे दिया आपने ये ऑर्डर भी, अभी चलते हैं अगले ऑर्डर के लिए, और भाई अगले ऑर्डर की लोकेशन बाइक निकल जाएगी यहाँ से, कोशिश पूरी करेंगे निकालने की, नहीं तो भाई कुछ नहीं पता कितनी घुमानी पड़ेगी भाई, एकदम निकालनी पड़ेगी भाई। शुक्र है निकल गई बाइक यहाँ से, निकलने का मतलब भाई ये है हम गिरे नहीं इधर उधर, भाई गिरते ना कांड हो जाता, बहुत गंदी चोट लगती और तो भाई नुकसान अलग होता। और भाई इतनी तगड़ी ऑफ रोडिंग, अरे छोटू 54 नंबर कौन सा है? 54 ये आंटी जो है 580 आपका फ़ोन भी नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है उसमें आपको इस टाइम को अनब्लॉक करनी पड़ेगी। तो फाइनल यार दे दिया आपने ये ऑर्डर भी, अभी चलते हैं अपने अगले ऑर्डर के लिए जो कि है पंसिल का। और भाई पंसिल है यहाँ से यार काफ़ी दूर पड़ेगी अपने को, तो फिलहाल चलते हैं पंसिल, मिलते हैं आपको पंसिल पहुँचते। आई थिंक यार यहाँ कुछ पंगा वंगा हो गया है, भाई काफ़ी तगड़ा एक्सीडेंट हुआ यार, फॉर्च्यूनर और बलिनो है यार, बलिनो तो पूरी खत्म हो गई यार आगे से, फॉर्च्यूनर भी काफ़ी हद तक डैड हो गई है साइड से। एक एंट्री करना फाइनल यार पहुंच चुके हैं पंसिल भाई, एंट्री भी करा दी गेट पे, तो अभी चल रहे हैं अपन टावर 11 पे। आई थिंक ये राइट वाला टावर है, बिल्कुल भाई हम बिल्कुल सही आए, टावर 11 यही है, टावर 11 अंकल जी 106 में जाना है।
भाई एंट्री तो करवा दी यार, अपना फ्लैट नंबर 6 है, तो भाई ये पड़ेगा सेकंड फ्लोर में, मतलब फर्स्ट फ्लोर है अपर ग्राउंड, सेकंड फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर, बिल्कुल यार सही जगह पहुँच चुका है। 106 फ़ोन लगा लेता हूँ एक बार। हेलो हेलो, अमेजोन से ऑर्डर है आपका, फ्लैट के बाहर हूँ मैं आपके। कहाँ से ऑर्डर है? अमेजोन फ्रेश से। अच्छा अच्छा, तो बेल नहीं बजा क्या? बेल बजाई थी मैंने, आवाज़ नहीं आई अंदर आपको, बेल प्रेस तो करी थी मैंने। प्रेस करी थी? हाँ। अच्छा, पूरा प्रेस करना पड़ता है, ऐसा हो सकता है। थैंक यू। तो फाइनल यार अपने सारे ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं भाई, 5 ऑर्डर मिलते 6 से 8 के ब्लॉक में, भाई 5 के 5 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। और बाकी यार अभी ना किसी ऑर्डर में कोई दिक्कत अपने को हुई नहीं थी, थोड़ा लंबे लंबे रूट के थे, कोई नहीं यार हमने सब कवर कर दिए। बाकी यार अभी ना अभी हम चल रहे थे वेयर हाउस, क्योंकि अपने पास एक ब्लॉक हो रहा है 8 वाला, भाई मैंने आपको बताया था आज हम देखते हैं भाई पूरे दिन काम करते हैं कितने ब्लॉक मिलते हैं अपने को। तो भाई जब घर से निकला था फिर मेरे को एक ही ब्लॉक था, तो भाई अब घर से निकल गया तो भाई अपने 4 ब्लॉक हो जाएंगे, अभी 3 ब्लॉक कंटिन्यू हो चुके हैं हमारे, चौथा भी कंटिन्यू आ गया, मतलब भाई 4 ब्लॉक कंटिन्यू होंगे अपने आज। तो भाई अभी लास्ट में बताएंगे आपको कितने ऑर्डर मारे हमने, कैसे कैसे क्या हुआ, चलो सीधा वेयर हाउस यार मिलते हैं, सीधा वेयर हाउस पहुँच कर ऑर्डर पिकअप करने के बाद। तो फाइनल यार निकल चुके हैं अपने 8 वाले ऑर्डर भी लेके, भाई अभी टाइम हो रहा 7:12, तो भाई अपना ब्लॉक टाइमिंग है 8 से 10 का। यार एक ऑर्डर ना रस ऑर्डर है, तो इस मारे जल्दी आना पड़ रहा है अपने को, जल्दी क्या यार मतलब लंबे रूट पर जाना पड़ रहा है भाई। ऑर्डर तो यार 3 ही मिले हैं, लेकिन भाई बहुत लंबा रूट है यार, मतलब भाई अपने यहाँ के वेयर हाउस का ना सबसे लंबा रूट यही है वेयर सिटी का, भाई एक तरफ से 15 किलोमीटर पड़ता है भाई, इसलिए अगर चलते हैं वेयर सिटी यार, मिलते हैं आपसे वेयर सिटी के पहले ऑर्डर पहुँच कर। भाई एक ऑर्डर रस ऑर्डर है, पहले रस ऑर्डर मारना पड़ेगा, क्योंकि यार पहले वही मारना पड़ेगा नहीं तो डिले हो जाएगा। तो फाइनल यार वेयर सिटी में एंट्री कर चुके हैं, और भाई एंट्री करते मिले हैं ब्रेकर अपने को 1, 2 और 3। तो फाइनली यार पहुंच चुके हैं अपने पहले ऑर्डर के लोकेशन पे, जो है रस ऑर्डर UZF B11। तो भाई जी एंट्री तो करा दिए यार, अभी चलते हैं टावर की तरफ, टावर तो यही है, मतलब इसका एंट्रेंस जो है ना ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंजिल के फ्लैट हैं, तो भाई इसमें लास्ट वाली लॉबी है, तो आई थिंक इनका फर्स्ट फ्लोर ही होगा। ऑर्डर है आपका, UPI कर दो यार। थैंक यू। तो फाइनली यार दे दिया है आपने पहला ऑर्डर भी, अभी चलते हैं भाई सेकंड ऑर्डर पे, जो कि है ड्रीम होम्स का टावर 7 है। भाई यहाँ से लेंगे हम सर्विस रोड, नहीं तो भाई यू टर्न ना बहुत ही लंबा यार आगे, यहाँ तो भाई एंट्री भी बहुत थोड़ी लाइन लगी हुई है। टावर 7 110 मैं तो फ़ोन भी लगा रहा हूँ भाई, टावर 7 7 7 एंट्री हो गई, तुम बता दो भैया कुछ खड़ा क्यों है फिर यहाँ भाई, भैया 7 यही है ना भाई। पहुँचे थे अभी टावर 7 में, और भाई इनका फ्लैट नंबर है 110। भाई आ तो गया फर्स्ट फ्लोर पे, ऑर्डर आप। थैंक यू। गिफ्ट के थैंक यू भाई, अच्छी बात है फर्स्ट फ्लोर था, और उससे अच्छी बात यह है भाई जीने के पास में था, नहीं तो यार टावर इतना बड़ा है, बहुत बड़ा टावर है भाई ये। तो फाइनल यार दे दिया आपने सेकंड ऑर्डर भी, अभी चलते हैं भाई अपने थर्ड ऑर्डर के लिए, जो कि अपना लास्ट ऑर्डर। भाई हम चलेंगे सर्विस रोड से, बिकॉज यार हमको पहले यू टर्न लेना पड़ेगा, यू टर्न लेके भाई यू टर्न काफ़ी लंबा पड़ेगा अपने को, इसलिए भाई हम चलेंगे सर्विस रोड से, क्योंकि हमें आगे जाना है, पर हम पीछे आना तो हम उधर जाते हैं, लेकिन हमको जब आगे जाना तो यू टर्न क्यों ही ले यार, सर्विस रोड हैगी तो फिलहाल चलते सर्विस रोड से इधर उधर। भाई मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट भी लगे हमें सर्विस रोड से मेन रोड पे आने पे, तो भाई यू टर्न लेके आते ना भाई कल तो यार काफ़ी तो लंबा रास्ता बढ़ जाता, और हम अब तक आ भी नहीं पाते यहाँ पे। कौन सा फ्लोर है? वो क्या है ग्राउंड। सो फाइनल यार पहुँच चुके हैं अपने थर्ड रोड की लोकेशन पर, अभी गार्डवे से एंट्री कराई है अभी, और आई थिंक भाई ये इसी लाइन में कोई पड़ेगा, फ्लैट नंबर 843 है। चला दो फोटो क्लिक करनी थोड़ी सी, अच्छा हो जाएगा तुम्हें ठीक। थैंक यू। सो फाइनली यार अपने सारे ऑर्डर डिलीवर हो चुके हैं भाई, अभी हमने लास्ट ऑर्डर दिया है, अभी टाइम हो रहे हैं भाई 7:55, तो भाई मतलब अभी हमारा ब्लॉक जो है टाइमिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ 8:10 का, और हमने ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं उसके। यार अपने को 3 ऑर्डर मिले थे, तीनों को 3 डिलीवर हो चुके हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, COD था भाई वो भी कंप्लीट हो चुका है, और यार मतलब ऑर्डर दूर के बेसिक चाहिए थे, लेकिन हम फ्री टाइम से हो चुके हैं, अब भाई मैं मतलब घर जा सकता हूँ, कुछ करता हूँ, सिर्फ बैग सबमिट करने हैं अपने को, और कुछ अपने को काम है ही नहीं। और यार मतलब हमने ना आज पूरे दिन काम किया है भाई, 4 ब्लॉक मारे हैं, सुबह 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, तो भाई मतलब 8 घंटे का काम मैंने 6 घंटे में ख़त्म कर दिया। पैसे भाई उतने ही हैं, पैसे में कोई इशू नहीं है, ये आप साइड में देख सकते हो भाई, ये अपनी अर्निंग है आज की 260 रुपये एक फ्लोट का है भाई, अपने हो गए 1040।
जिस जो भाई पूरे वो है 1%, इसमें टीडीएस भी कट के आएगा भाई अभी अभी हमारा, मतलब भाई 3 रुपये समथिंग शायद 1 रुपये कटेगा भाई टीडीएस एक स्लॉट का, तो मतलब 12 रुपये समथिंग कट जाएगा टीडीएस। तो भाई अपने को फिर भी मतलब टीडीएस कट के आता भाई हमारा जितना भी, मतलब मान लो हमारे 10 रुपये भी आएंगे ना भाई टीडीएस कट के आएंगे वो, तो यार ये अच्छी बात होती है मुझे उनको भाई टीडीएस कटना अच्छी बात होती है भाई, हमारा एक नंबर का पैसा होगा सारा, मतलब भाई हम ना गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं इसमें, तो भाई सारा अपने एक नंबर ही कमाई है, कोई 2 नंबर की कमाई नहीं है। बाकी यार जितने मेरे भाई लोग इस ब्लॉग को देखते हैं भाई सब अच्छा रहना, बाकी यार इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपकी वीडियो चले, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो चलेगा, ओके भाई, जय हिंद जय भारत।